दर्शकों का नमस्कार, एवेनिस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। आरबीआई ने खोला खजाना, इन 5 क्षेत्रों में मोदी सरकार के काम आएगी 1.76 लाख करोड़। वित्त मंत्री ने पिछले हफ्ते घोषणा की थी कि सार्वजनिक बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए की पूंजी दी जाएगी। हालांकि बैंकों को इससे भी ज्यादा पूंजी की जरूरत है। रिजर्व बैंक से मिले खजाने का इस्तेमाल सरकार बैंकों को और पूंजी देने के लिए कर सकती है। चीन समेत विदेश में कार्ति चिदंबरम के 17 बैंक खातों का पता चला। सीबीआई के शिकंजे में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के भी नए नए कांड निकल कर आ रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जांच एजेंसियों को पता चला है कि चीन के बैंक में कार्ति की कंपनी का खाता है। ओवरसीज चाइना बैंक कॉर्पोरेशन सिंगापुर में कार्ति की कंपनी का खाता है। पीएम मोदी ने जेटली के घर जाकर दी श्रद्धांजलि, परिवार से मिलकर ढाढ़स बंधाया। पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उनके घर जाकर श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने अरुण जेटली के परिवार से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। कांग्रेस नेता कुलदीप बिश्नोई को झटका, आयकर विभाग ने हरियाणा कांग्रेस के नेता कुलदीप बिश्नोई और उनके भाई के गुरुग्राम स्थित होटल को बेनामी संपत्ति के तहत जब्त कर लिया है। इस होटल की कीमत 150 करोड़ बताई जा रही है। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस इंडिया ऐप डाउनलोड कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।